Yes, sir. So next point is September 12, tax invoice, debit note and credit note. सबसे पहली बात section 31 बोलता है tax invoice कितने time के अंदर में issue करना है. In case of goods, sir tax invoice कब issue करना है? ये मैंने time और supply के time बताया आपको वैसे, पर वापस बोल रहा हूँ मैं. Tax invoice कब issue करना है, sir? In case of goods, sir अगर movement of the goods involved है तो on or before removal of the goods आपको invoice issue करना पड़ेगा. जहाँ पे movement involved नहीं होता है, जहाँ movement involved नहीं होता है, वहाँ पे जब मैंने goods buyer को available करवाया उस दिन या उससे पहले मेरे को bill issue करना पड़ेगा. जहाँ पे भी country supply of goods होता है वहाँ पर सर या तो आप मेरे को प्रैक्टिकल स्टेटमेंट देंगे या मुझे सर सप्लायर या तो क्या करेगा प्रैक्टिकल स्टेटमेंट देगा रेसिपिएंट उसको या फिर रेसिपिएंट उसको प्रैक्टिकल पेमेंट करेगा. तो एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या तो मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ या आप मुझे पेमेंट कर रहे हो. तो जब आप मुझे पेमेंट करेंगे जितना अमाउंट का पेमेंट करेंगे उतना अमाउंट का मेरे को बिल इशू करना पड़ेगा या फिर मैं अगर आपको एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो उस दिन मैं उतना अमाउंट का बिल इशू आपको करूंगा सर. क्लियर? ये और ये क्या टैक्स इन्वेस्ट इन केस ऑफ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स. और सर अगर आपने कभी भी गुड्स भेजा है एन और एन अप्रूवल बेसिस तो जब आपने गुड्स भेजा होगा तो आप डिलीवरी चालान के थ्रू भेज देंगे पर टैक्स इन्वेस इश्यू करना पड़ेगा. या तो उसने सप्लाई मान ली मतलब उसने अप्रूवल दे दी या सिक्स मंथ फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर तक आपको क्या करना पड़ेगा टैक्स इन्वेस इश्यू करना पड़ेगा इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बेटा. पर सर्विसेज केस में इन्वेस इज रिकॉर्ड टू बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल सर्विस. जब सर्विस कंप्लीट होगा उसके 30 दिन के अंदर आपको इन्वेस इश्यू करना पड़ेगा. क्लियर? और अगर आप बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी हो या एक इंश्योरेंस कंपनी तो 45 डेज का टाइम दिया है और बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया कि अगर इन्होंने अपने ही दूसरी ब्रांच को सेम पर्सन हैविंग द अनदर जीएसटी नंबर मतलब सेम पेन नंबर पे है डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर बिल लिखना है तो ये चाहे तो क्वार्टरली एक सिंगल बिल भी इशू कर सकते हैं अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को. ये लोग कौन? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनीज. ओके सर, कंटिन्यू सप्लाई सर्विस अगर होता है तो 30 दिन का वक्त नहीं मिलता बिल के लिए. तो इसमें क्या होता है व्हेनेवर सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट होता है कंटिन्यू सप्लाई सर्विस कब कहेंगे? अगर कोई सर्विस इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और कॉन्करेंटली और रिकरेंटली फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यू सप्लाई सर्विस. और एट प्रेजेंट सर जो भी सर्विस कंटिन्यू सप्लाई सर्विस है सरकार उसमें इन्वेस्ट कभी शुरू करना पड़ेगा. डिपेंड्स, अगर कोई इवेंट के होने पे रेसिपिएंट की लायबिलिटी आती है फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर तो जब वो इवेंट कंप्लीट होगा उतना अमाउंट का मान लेंगे सर्विस कंप्लीट हो गई है और उस दिन उतना अमाउंट का आपको इन्वेस्ट इशू करना पड़ेगा उस दिन उससे पहले. और अगर इवेंट फिक्स नहीं पर आपका ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है तो जो ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट होता है उससे पहले या उस दिन या उससे पहले आपका इन्वेस्ट इशू हो जाना चाहिए. और अगर ना ड्यू डेट फिक्स है ना कोई इवेंट फिक्स है तो जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तब तक उतना अमाउंट का इन्वेस्ट इशू करना पड़ेगा सप्लायर को रेसिपिएंट के लिए बेटा. क्लियर? और हाँ, ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर कोई भी आपने सप्लाई किया है क्लियर जहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन ₹200 भले गुड्स हो या सर्विस हो तो आप चाहो अगर बायर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप चाहो तो वहां टैक्स इन्वेस्ट ना इश्यू करे सर. और ऐसे केस में डे एंड जब होगा क्या होगा सब डे एंड जब दिन खत्म होगा तब आपको कंसोलिडेटेड एक सिंगल इन्वेस्ट इश्यू करना पड़ेगा जितने भी गुड्स जितनी भी सर्विस आपने बेची उसका. क्लियर सर? पर अगर बायर क्या है रजिस्टर्ड है तो आपको बिल देना ही पड़ेगा उस केस में. क्लियर? भले वैल्यू कुछ भी हो सब. और सर ध्यान ना कि अगर आपने जो आउटपुट गुड सप्लाई किया है या आउटपुट सर्विस जो दी है वो अगर आपने एक्सपोर्ट किया या एसजेड को सप्लाई किया तो सर अगर वहां पर इसको बोलते हैं इंटर से सप्लाई आता है बेटा आईजीटी पे करना है तो वहां दो ऑप्शन होते हैं तो आप आईजीटी पे करो या आप बॉन्ड या एलओडी सेंड कर दो और आपको आईजीटी पे करने की जरूरत नहीं. तो ऐसे केस में सर आपको जो इन्वेस इश्यू करना उसमें लिखना पड़ेगा कि गुड्स मेंट फॉर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर बॉन्ड या एलयूटी. क्लियर? और सर अगर आपने आईजीएसटी पे किया तो लिखना पड़ेगा क्या बिल पर गुड्स मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी. क्लियर? ये इन्वेस पे इंडिकेट करना पड़ेगा सर आपको. ओके सर, अब फिर आपको ध्यान देना इन्वेस का फॉर्मेट दे रखा सर. अब इन्वेस फॉर्मेट ठीक है सर आपको आता ही है, बस इसमें ध्यान देना अगर आपने डिजिटल बिल इशू किया है क्लियर तो ऐसे केस में ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर अगर नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा अगर आपने एज पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपने कोई बिल इशू किया इलेक्ट्रॉनिक तो. क्लियर? ओके सर, एचएसएन कोड लिखना पड़ता है बिल पे बेटा, आपने बात की थी बेटा. पर अगर आपका टर्नओवर प्रीवियस में कितना है 1.5 करोड़ या उससे कम था तो ऐसे केस में आपको एचएसएन कोड लिखने की जरूरत नहीं है. क्लियर? 1.5 करोड़ से अबो 5 करोड़ का टर्नओवर था प्रीवियस ईयर में तो ऐसे केस में 2 डिजिट एचएसएन कोड लिखना मतलब फर्स्ट 2 डिजिट चैप्टर का नाम. और अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर था प्रीवियस ईयर में तो ऐसे केस में मैक्सिमम आपको 4 डिजिट कोड ही एचएसएन कोड लिखना बेटा. क्लियर सर? ध्यान देना बेटा, इन्वॉइस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन 3 कॉपीज, ओरिजिनल फॉर बायर, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, डुप्लीकेट फॉर असेसी हिमसेल्फ. क्लियर सर? ये सब बातें नॉर्मली थी बेटा. अच्छा ध्यान देना, इंटर स्टेट सप्लाई करते क्या करते सर, हम इंटर स्टेट सप्लाई करते तो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना, प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना कंपलसरी, तो क्योंकि उसी के बेस पे गवर्नमेंट की रेवेन्यू एलोकेट होती है बेटा, कौन से स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा. पर सर ये नोटिस में आया कि कुछ इंटरस्टेट सप्लाई के केस में इन्वॉइसेस पर प्लेस सप्लाई नहीं लिखा तो गवर्नमेंट इस पर सर्कुलर इशू करके इंस्ट्रक्शन दिया सारे एसएससी को कि सरकार अगर आपने इन्वॉइस आपने सेल अगर इंटरस्टेट किया है तो यू नीड टू कंपलसरी राइट द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन द इन्वॉइस, नहीं तो ये कंप्लायंस आपने जो नहीं किया उसकी वजह से हम आप पे पेनल्टी लगा सकते हैं सर. क्लियर? और सर
और आपने अगर ये नहीं लिखा तो हमारा रेवेन्यू एलोकेशन में बड़ी दिक्कत आती है सर. क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, सर्कुलर इशू किया गवर्नमेंट ने, कोई खास बात नहीं है. अच्छा, आप अगर मान लो लायबल टू रजिस्टर हो गए तो विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो बच्चा. क्लियर? अब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो सर जिस दिन से आप लायबल थे उस दिन से आप रेशन माने जाएंगे. तो सर उस दिन से लेकर जब आपको रेशन नंबर मिला है तब तक की जो आपने सप्लाई किए उसके लिए आप टैक्स इन्वॉइस इशू नहीं किया होगा आपने. तो नाउ यू कैन इशू द रिवाइज टैक्स इन्वॉइस. और सर रिवाइज टैक्स इन्वॉइस इशू करके आप क्या कर देंगे, बायर को इशू कर देंगे और बायर को उस रिवाइज टैक्स इन्वॉइस के बेस पर आईटी से मिल जाता है. क्लियर? और ध्यान रखना बेटा, रिवाइज टैक्स इन्वॉइस के अंदर उस ओरिजिनल इन्वॉइस का आपको रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा कि वो ओरिजिनल इन्वॉइस होता और उसका ये रिवाइज टैक्स इन्वॉइस ही रहा साहब. क्लियर? अब ध्यान रखना, डेबिट नोट क्रेडिट नोट के केस में पहले फॉर्मेट जो रिवाइज टैक्स इन्वॉइस का था वही डेबिट नोट क्रेडिट नोट का फॉर्मेट था, अब वो चेंज हो गया है. अब रिवाइज टैक्स इन्वॉइस में से जो आपको टैक्स का अमाउंट, क्लियर, जो डिफरेंस का टैक्स अमाउंट था डेबिट नोट क्रेडिट नोट की वजह से या टैक्सेबल वैल्यू, क्लियर, ये सब इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है. क्लियर? आपको बस लिखना है रिवाइज टैक्स इन्वॉइस और नॉर्मल जो इन्वॉइस की इन्फॉर्मेशन थी वो इस पर लिखना है. और डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए अलग इन्होंने बोल दिया क्या, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करना तो ऊपर आपको लिखना पड़ेगा डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, और फिर नॉर्मल जो कंटेंट इन्वॉइस के तो सारे आपको लिखने पड़ेंगे. और कितना ओरिजिनल इन्वॉइस का रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा आपको, प्लस क्या आपने चेंज किया, वैल्यू में कम हुआ ज्यादा हुआ या टैक्स में कम ज्यादा हुआ, वो जो भी वो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट लिखना पड़ेगा. और एक बात जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी थी कि अगर कभी भी सेक्शन 74, 129 या 130 मतलब फ्रॉड वगैरह केस में पकड़ा गया और आपने उसकी वजह से टैक्स पे किया और उस टैक्स का आपने डेबिट नोट क्लाइंट को रेज किया तो सर उस डेबिट नोट के बेस पे बायर को क्रेडिट नहीं मिलता, इसलिए आपको डेबिट नोट के ऊपर लिखना पड़ेगा क्या, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेबिट नोट. क्लियर? डन. अब सर बात आती है क्या, बिल ऑफ सप्लाई. अगर आपका आउटपुट सप्लाई क्या है, एग्जेम्प्ट है या आपने कंपोजिशन स्कीम लिया हुआ है या इस पर अभी सर्विसेज लिया था 50 लाख की सर्विसेज के लिए 6% टैक्स वाला कंपोजिशन स्कीम नया है बेटा, तो ये लोग को क्या करना है, टैक्स इन्वॉइस इशू नहीं करना, बट दे विल इशू बिल ऑफ सप्लाई. क्लियर? और बिल ऑफ सप्लाई में बस फॉर्मेट क्या होता है, वही होता है जो टैक्स इन्वॉइस होता है, बस उसमें कंटेंट क्या होता है, सर टैक्स का अमाउंट नहीं लिखा होगा और टैक्स इन्वॉइस का बिल ऑफ सप्लाई लिखा होगा. और हाँ, इसमें भी लिख दिया क्या, अगर आपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या किया है, ऑनलाइन डिजिटल इन्वॉइस इशू किया तो आप चाहो तो सिग्नेचर नहीं करोगे तो भी चल जाएगा सब. क्लियर? सर फिर आता है क्या, इन्वॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. अगर आपके कस्टमर कौन है, अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में आप चाहो तो आपकी गुड्स कुछ टैक्सेबल और कुछ का एग्जम्प्ट और आप सब साथ में बेचते हो, तो ऐसे केस में आप चाहो तो सिंगल इन्वॉइस दे सकते हो जिसका नाम क्या होगा, इन्वॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. ओके. अगर आपको कभी भी एडवांस पेमेंट रिसीव होता है तो यू हैव टू इशू रिसीट वाउचर. अच्छा, रिसीट वाउचर पर टैक्स कितना लगाएंगे सर, सर फॉर्मेट लगभग वो सेम है सर, फॉर्मेट छोड़ो आप, मेन कंटेंट में ध्यान दो. सर रिसीट वाउचर, सर ध्यान ना, कभी एडवांस आया, मान लो किसी सर्विस के लिए एडवांस आया और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एडवांस पे, सर अब पॉइंट आता है क्या, ये डिफाइंड नहीं है कि सर आप इंटरेस्ट सप्लाई करेंगे या इंटर करेंगे, आपको एडवांस अभी मिल गया पर ये डिफाइन नहीं किया कस्टमर ने कि मैं इसी स्टेट में परचेस करूंगा या किसी और स्टेट में परचेस करने वाला हूं से, तो ऐसे केस में एक बार आईजीसी पे कर देना साहब. क्लियर? सर आपकी मल्टीपल सर्विसेज है, कुछ पे 5% टैक्स है, कुछ पे 18 है, कुछ पे 12 है, कुछ पे 28 है, सर अब क्या रेट लगाऊं मैं, हाँ है ना सर, उसने एडवांस जो दिया सबके लिए कॉमन दिया, अब ये पता नहीं कि कौन सा वो परचेस करने वाला, तो एक बार टेम्प्रेरी 18% टैक्स पे करना आई जी. और अगर डिफाइन नहीं कि सी और इंट्रा है कि इंटर, तो आईजीएसटी. क्लियर? और रेट ऑफ टैक्स डिफाइन नहीं तो 18% पे करना साहब. क्लियर? सर रिफंड वाउचर, अगर आपने एडवांस दिया और बाद में वापस किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो सर मैं आपको अमाउंट जो रिफंड करूंगा उसके लिए मैं क्या इशू करूंगा, रिफंड वाउचर, उसमें रेफरेंस दूंगा किसका, रिसीट वाउचर का बेटा. क्लियर? देन आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. अगर रेसिपिएंट लायबल होता है तो सर उसको जब रेसिपिएंट सप्लायर, सर सुनना ध्यान से, जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है रेसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट को डायरेक्टली, तो सर ऐसे केस में अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं जीएसटी में तो रेसिपिएंट को खुद पे इन्वॉइस भी इशू करना पड़ेगा टैक्स इन्वॉइस, प्लस जब वो रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करता था उसको पेमेंट वाउचर भी इशू करना पड़ता साहब. क्लियर? देन आता है क्या कुछ स्पेशल केसेस, स्पेशल केस कौन सा बेटा, सर इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोल दिया क्या आप इन्वॉइस नहीं भी इशू करोगे तो भी चल जाएगा साहब. क्लियर? इन्वॉइस इशू करना है 45 डेज में इशू कर देना और आप इन्वॉइस नहीं भी इशू करेंगे तो भी चल जाएगा साहब. क्लियर? और सर बाकी इन्फॉर्मेशन नॉर्मल जो है वही है, इनको सीरियल नंबर लिखने की जरूरत नहीं और एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट लिखने की जरूरत नहीं, बाकी सब इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा साहब. क्लियर? जीटीए केस में इन्वॉइस तो इशू करने के ना साथ में कंसर्न नोट इशू करना पड़ता है, तो ये अभी जीएसटी में क्या लिख दिया उन्होंने, इन्वॉइस के अंदर ही कंसर्न नोट की सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी बेटा. या फिर ये लोग क्या करते हैं, कंसाइनमेंट नोट प्रैक्टिकली क्या करते बेटा, इन्वॉइस के अंदर कंसाइन नोट का नंबर लिख देते हैं और साथ में कंसाइन नोट अटैच कर देते बेटा, बात बराबर हो गई. क्लियर? देन अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हो तो जो आपका टिकट इशू हुआ उस टिकट को क्या मान लेते हैं, टैक्स इन्वॉइस मान लेते हैं, बस उसमें एड्रेस लिखा होना जरूरी नहीं है रेसिपिएंट का और सीरियल नंबर नहीं हुआ चल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. और हाँ, ये भी अगर इलेक्ट्रॉनिक भी आपका टिकट इशू हुआ है तो आपको सिग्नेचर करने, सप्लायर के सिग्नेचर नहीं हुए तो भी चल जाएगा सर. क्लियर? डन. एक लास्ट बात बचती है क्या, डिलीवरी चालान. सर जहां पे भी मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई. क्लियर? तो सर कोई डॉक्यूमेंट तो साथ में होना चाहिए ना, इसलिए होता है क्या, डिलीवरी चालान. जैसे आपने रिपेयरिंग के गुड्स भेजा, जॉब वर्क के लिए गुड्स भेजा, या आपने सेल ऑन अप्रूवल से भेजा बेटा, या किसी भी पर्पस के लिए आपने मूवमेंट ऑफ द गुड्स किया, जैसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच भेजा विच इज नॉट सप्लाई. क्लियर? तो सर डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है बेटा,
तो ऐसे केस में सप्लाई नहीं है, तो ऐसे केस में डिलीवरी चार्ज थ्रू गुड फेसिंग इट। फॉर्मेट एब्सोल्युटली वही है जो किसका है, टैक्स इनवॉइस का है साहब, क्लियर। जब आप ईवी बिल इशू करेंगे तो उसमें टैक्स डिलीवरी चार्ज का रेफरेंस भी देना पड़ेगा आपको। अच्छा, डिलीवरी चार्ज भी अगेन तीन को भी होता है, ओरिजिनल फॉर बायर, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, डुप्लीकेट फॉर असेसी हिमसेल्फ, क्लियर। अच्छा सुनो, कभी भी गुड्स लोट या इंस्टॉलमेंट में अगर आप भेजते हो तो जो फर्स्ट लोट या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा तब आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है, पर कस्टमर को टैक्स इनवॉइस अभी देंगे नहीं। कस्टमर को टैक्स इनवॉइस कब देंगे, जब लास्ट लोट या लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा। और सर, हर बार जब लोट जाएगा तब आप उस ओरिजिनल इनवॉइस का फोटोकॉपी भेजेंगे अलोंग विद द डिलीवरी चालान, और जब लास्ट लोट जाएगा तब आप उसके साथ में ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस भेजेंगे साहब। और लास्ट लोट जब उसको रिसीव होता है तभी उसको आईटीसी मिलता है, पर आपको इनवॉइस कब इशू करना है, फर्स्ट लोट जब रिमूव होगा तभी आपको इनवॉइस इशू करना, मतलब आपके टैक्स लायबिलिटी तो फर्स्ट लोट के टाइम पे आ जाएगी पर बायर को आईटीसी का मिलेगा जब लास्ट लोट उसको रिसीव होगा, क्लियर। अब एक दो सर्कुलर तो बेटा रिगार्डिंग डिलीवरी चालान कि कभी भी मैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, बेटा जैसे मैंने कार लेके, मैंने गुड्स मेरे कार में रखे और मैं क्या करता हूँ अपनी गुड्स ले लेके कस्टमर के जाता हूँ और उनको बताता हूँ, उनको अगर पसंद आता तो बेच देता हूँ, नहीं तो वापस ले आता हूँ बेटा। तो इसको बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, आप गुड्स ले रहे हो एक बार। तो ऐसे केस में जब मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में सारी गुड्स लेके निकलूंगा तब डिलीवरी चालान इशू करूंगा। फिर जैसे ही कितना मान लो 1000 शर्ट लेके निकला मैं अपनी, मैं शर्ट बेचता हूँ बेटा, 1000 शर्ट लेके निकला मैं अपनी कार के अंदर, अपनी कार के लिए मैं क्या करूंगा, 1000 शर्ट जब लेके निकलूंगा तो सुबह डिलीवरी चालान इशू करूंगा 1000 शर्ट का, और बिल बुक साथ में लेके जाऊंगा। अब कस्टमर के पास गया बेटा, उसको 200 शर्ट पसंद आ गए तो 200 शर्ट मैंने उसी टाइम उसको बेच दिए और उसी टाइम टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया। किसी और को 300 पसंद आया, 300 बेच दिया, टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया। अब मान लो बेचते बेचते मैं किसी और स्टेट चला गया तो वहां पे जब बिल इशू करूंगा तब IGST लगा के आ जाऊंगा बेटा मैं, क्लियर। और जब लास्ट में लौटा तब 200 शर्ट बचे थे मेरे पास, तो 200 शर्ट। अब मान लो मेरी गाड़ी पकड़ ली तो क्या होगा बेटा, 1000 का डिलीवरी चालान था मेरे पास और 800 शर्ट मैंने बेच दिया, उसका क्या होंगे, रेस्पेक्टिव टैक्स इनवॉइस होंगे। मैं ऑफिसर को बताऊंगा रिमेनिंग कितना बचा, 200 मिल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं साहब ऐसे केस में, क्लियर। सेम सर्कुलर इशू हुआ किसके लिए, पेंटिंग्स में, क्या बनाता हूँ पेंटा बेटा, पेंटिंग्स। तब जब यहाँ से मेरे यहाँ से एग्जीबिशन जाएगी पेंटिंग सेल ऑन अप्रूवल बेस पे, तो ऐसे केस में डिलीवरी चालान के थ्रू जाएगी। जब एग्जीबिशन कोई पेंटिंग परचेस करेगा तो टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा, रिमेनिंग पेंटिंग जो होगी वापस आ जाएगी साहब, डिलीवरी चालान से मैच हो जाएगा। जितना टैक्स इनवॉइस इशू हुआ, जितनी पेंटिंग बेच दी उतना लेस हो जाएगा रिमेनिंग अमाउंट का, रिमेनिंग क्वांटिटी का डिलीवरी चालान में दिख जाएगा कि साहब इतनी क्वांटिटी बची है। देखो डिलीवरी चालान था 1000 पेंटिंग का, 300 पेंटिंग भी गई, 700 पेंटिंग वापस आ गई साहब, 700 पेंटिंग ये रही, और डिलीवरी चालान था 1000 का, ये 300 टैक्स इनवॉइस इशू कर दिए, रिमेनिंग आ गई बेटा, हाँ है ना, डन। दूसरे स्टेट में अगर एग्जीबिशन था तो IGST लग जाएगा, सेम स्टेट में था तो CGST और ACS लग जाएगा, क्लियर। ये था क्या डिलीवरी चालान के रिगार्डिंग कुछ बातें। अब सर बात आती है क्या ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना पड़ेगा, सर टैक्स ISD इनवॉइस इशू करना पड़ता है। उसमें क्या करेगा, ये खुद का नाम, एड्रेस, GST नंबर लिखेगा, रेसिपिएंट जिसको क्रेडिट पास करा उसका नाम, एड्रेस, GST नंबर लिखेगा, सीरियल नंबर लिखेगा, डेट ऑफ द इश्यू लिखेगा और क्रेडिट अमाउंट लिख देगा, इतना अमाउंट मैंने क्रेडिट पास ऑन किया है बेटा, क्लियर। अब सर क्या होता है, ISD ने मान लो क्रेडिट पास ऑन कर दी, ओके। अब सर मान लो मेरी मुंबई महाराष्ट्र में फैक्ट्री भी है जिसका GST नंबर है और मुंबई में मेरा ISD नंबर भी बेटा उसी फैक्ट्री का। अब आपने जब मेरे को सर्विस दी तब गलती से मेरी फैक्ट्री का GST नंबर लिख दिया तो मेरे को ITC फैक्ट्री में आ गया बेटा। अब ISD फैक्ट्री में अगर आ गया, दैट वाज अ कॉमन सर्विस फॉर माय 4 ब्रांच, तो मेरे को क्रेडिट तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पर नॉर्मल फैक्ट्री का नंबर कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट, तो इसलिए गलती से बिल इसके नाम पे आ गया। तो ISD अगर आपके सेम स्टेट में है तो सर क्या कर सकते हो, उस फैक्ट्री से आप क्या कर देंगे, वो बिल ASDs लिख देंगे किसके नाम पे, आपके ISD के नाम पे। तो क्या होगा, आपको जो बिल आया उसके बेस पे आपने ITC लिया, आपने ASDs नया एक बिल इशू कर दिया किसके नाम पे, ISD के नाम पे, तो सारा क्रेडिट वहां चला गया। अब ISD क्या करेगा, सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सब। दिस इज द मैकेनिज्म विच इज अलाउड बाय द डिपार्टमेंट बाय रूल नंबर 54 सब रूल नंबर 1A, क्लियर। और सर एब्सोल्युटली सेम बिल बना के आप दे देना तो क्रेडिट यहाँ पे और यहाँ से वहां चला गया, ताकि आपको क्रेडिट लॉस नहीं हो जाए बेटा, क्लियर। एंड सर नेक्स्ट आता है क्या, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, एक बड़ा अच्छा अमेंडमेंट हुआ है डेबिट नोट क्रेडिट नोट में। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर आपने कभी भी वैल्यू बढ़ी है या टैक्स की लायबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट नोट इश्यू करना पड़ता है क्लाइंट को। लायबिलिटी कम हुई है, वैल्यू कम हुई है, डिफेक्टिव गुड्स थे जो भी थे बेटा, डेफिशिएंट क्वांटिटी थी या डेफिशिएंट क्वालिटी थी, तो ऐसे केस में आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे बेटा, वैल्यू कम हो जाएगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी, टैक्स कम हो जाएगा, तो यू विल हैव टू इशू द क्रेडिट नोट। पर ये लिखा था इट शुड बी लिंक्ड विद द टैक्स इनवॉइस। और पहले ऐसा था कि जो आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करो इट शुड बी लिंक्ड विद टैक्स इनवॉइस, मतलब एक डेबिट नोट के लिए एक टैक्स इनवॉइस, मतलब एक टैक्स इनवॉइस के लिए एक ही डेबिट नोट हो सकता है बेटा, मतलब एवरी टैक्स इनवॉइस शुड बी लिंक्ड विद वन डेबिट नोट या वन डेबिट नोट शुड बी फॉर वन इनवॉइस ओनली बेटा। मतलब आपने मान लो साल भर में 100 बिल इशू किए और सब में लास्ट में ईयर एंड में 10% डिस्काउंट दिया आपने, क्वांटिटी डिस्काउंट इस पर टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, तो यू हैव टू इशू द क्रेडिट नोट बेटा। तो पहले 100 क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है बेटा या 100 डेबिट नोट अगर वैल्यू बढ़ गई तो बेटा। अब आप चाहे तो सिंगल डेबिट नोट सिंगल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए एक साथ, ये इस बार फैसिलिटी अलाउ हो गया है, ठीक है। GST पोर्टल पे कुछ एरर आ रहा है बेटा, पर एक्ट में चेंज हो चुका है,
कि नाउ मल्टीपल टैक्स इनवॉइसेस के लिए सिंगल डेबिट नोट या सिंगल क्रेडिट नोट कैन बी इश्यूड. क्लियर? एंड इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द डिपार्टमेंट. बेटा हाँ है ना, ये मेजर पॉइंट था डेबिट नोट क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग. डेबिट नोट से लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट नोट से लायबिलिटी कम होगी. सर डेबिट नोट हो या क्रेडिट नोट हो, जीएसटी में हमेशा इशू कौन करता बेटा? सप्लायर ही इशू करेगा बेटा हमेशा. अरे क्लियर, समझा मेरी बात बच्चा? डन. सर एक लास्ट एक सर्कुलर बचा इसमें, अगर दवाई एक्सपायर होगी बेटा और इस पर नॉर्म्स ऑफ द मेडिकल लॉज आपको दवाई रिटर्न करनी है, तो जब रिटर्न जो दुकान वाला जो स्टोर है मेडिकल स्टोर जब मेडिसिन रिटर्न करेगा होलसेलर को, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर फिर मैन्युफैक्चरर को, तो सर जो रिटर्न कर रहा है मेडिसिन वो क्या करेगा? या तो क्रेडिट नोट इशू कर देगा, और क्रेडिट नोट इशू करने टाइम अगर निकल गया है तो नाउ ही कैन रेज अ न्यू टैक्स इनवॉइस. मतलब एक तरह से ये मान लेंगे रिटेलर ने होलसेलर को एक्सपायर दवाई बेची है. क्लियर? होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर बेची और डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को बेच दी बेटा. क्लियर? तो इस तरह से दवाई आ जाएगी और सबका जो टैक्स था वो बच जाएगा और अल्टीमेटली वापस से टैक्स का लाइबिलिटी सबका कम हो जाएगा रेस्पेक्टिव बेटा. तो सबका रेस्पेक्टिव आईडीसी भी कम हो जाएगा बेटा और अल्टीमेटली दवाई वापस कहाँ आ गई बेटा? मैन्युफैक्चरर के पास. और मैन्युफैक्चरर उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा. जैसे ही मैन्युफैक्चरर उसको डिस्ट्रॉय करेगा, क्लियर, अब उसको क्रेडिट नोट के थ्रू अगर आई थी तो उस दवाई को मैन्युफैक्चर करने में जो इनपुट वगैरह काम आया उसका आईडीसी रिवर्स करना पड़ेगा. और अगर क्रेडिट नोट के थ्रू दवाई नहीं आई रिटर्न होकर, उसको टैक्स इन्वॉइस के थ्रू दवाई रिटर्न हुई बेटा, तो ये मानेंगे उसने दवाई परचेस करी, उस पर जो जीएसटी लग के आया और उस दवाई को उसने क्या किया? डिस्ट्रॉय किया. तो उस जीएसटी जो बिल पे लिख के आया उसके वो पूरा पूरा आईडी से क्या करना पड़ेगा? उसको रिवर्स करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को. सर क्लियर? ये था एक सर्कुलर रिगार्डिंग रिटर्न ऑफ द गुड्स. ये केवल दवाई के लिए नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हो सर. देन सेक्शन 32 बोलता है क्या? अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर. और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो यू कैन कलेक्ट द टैक्स, बट आपकी मर्जी से नहीं, जितना हमने बताया उतने टैक्स लोगे, एक्सेस टैक्स नहीं ले सकते हो आप. और लास्ट बोलता है क्या? जब भी आपने कोई भी टैक्स इनवॉइस वगैरह इशू किया तो उसमें आपको टैक्स अमाउंट अलग से इंडिकेट करना कंपलसरी है. क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय. पूरा चैप्टर नंबर 12 पूरा भी खत्म होता है अब.